नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए CRPF ट्रेड्समैन भर्ती की नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों, CRPF ने ट्रेड्समैन पद के लिए भर्ती की नोटिफिकेशंस जारी कर दी है। CRPF की दोस्तों फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट होगी आपकी वो 18 से 25 साल होगी। आपके लिए जो योग्यता होगी 10th पास होगी, और उसके बाद में ऑल इंडिया के दोस्तों यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम आगे की वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में कुछ डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं CRPF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2020। तो दोस्तों, इसी भर्ती के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट नेम है दोस्तों आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर मेल एंड कांस्टेबल ट्रेड्समैन फॉर फीमेल, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए ही CRPF ने ट्रेड्समैन के पद के लिए भर्ती की एप्लीकेशन फॉर्म मांगे हैं। तो हु कैन अप्लाई में आप दोस्तों देख सकते हैं कौन कौन इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप मेल या फीमेल चाहे जो भी हैं, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CRPF एक सेंट्रल फोर्स है, तो इसकी जो जॉब लोकेशन होगी दोस्तों वो ऑल ओवर इन इंडिया होगी, मतलब पूरी इंडिया में आपके लिए घूमने का मौका एक कह सकते हैं मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो सर्विस के दौरान में पोस्टिंग होगी वो पूरी इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, ज़्यादातर जो CRPF है वो नक्सलवाद इलाकों में रहती है, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन राज्यों में CRPF की ज़्यादा यूनिटें रहती हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर की बात करें दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया होगा, मतलब ज़्यादातर हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में ही इसके जो है वो एग्ज़ाम्स होंगे। CRPF ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट पे स्केल की बात करें दोस्तों, 5,200 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक यहाँ पर आपका पे स्केल होगा। और एज लिमिट होगी आपकी 18 से 28 साल, मतलब आपकी 18 साल से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एज पर गवर्नमेंट रूल SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल का बेनिफिट एज में मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, आपकी 10th पास होना जरूरी है, सिंपल 10th पास होना जरूरी है दोस्तों। आपके लिए कोई भी परसेंटेज, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। आपके लिए ओनली ट्रेड्समैन पद की भर्ती है, तो इस पद के लिए आपको केवल और केवल 10th पास होना अनिवार्य होगा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपका होगा फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पे, मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में मेडिकल टेस्ट होगा और आपका रिटन टेस्ट होगा। तो दोस्तों, इस भर्ती के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी वो इस प्रकार होंगी। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो तिथि है दोस्तों वो 6 फरवरी 2020 से स्टार्ट हो चुकी है, और आपकी जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगी वो होगी 28 फरवरी 2020। उसके बाद में दोस्तों आपका लास्ट डेट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन कैंडिडेट्स 4 मार्च 2020। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं तो आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी वो 4 मार्च 2020 होगी। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन से रीजन में हैं तो आप मुझे अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। अप्लाई मोड यहाँ दोस्तों ऑफलाइन होगा। और तो ये थी आज की इस भर्ती के बारे में डिटेल दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है। आप इस भर्ती में देख सकते हैं सरकारी नौकरी है दोस्तों, और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बहुत ही अच्छी फोर्स मानी जाती है। तो इसमें दोस्तों ट्रेड्समैन की महिला और पुरुष दोनों के लिए ही भर्ती की जो है नोटिफिकेशंस जारी की गई हैं CRPF द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो काम की होगी आपकी और आप इस भर्ती में अप्लाई भी करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिनिश करते हैं आज की वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।